चलो भाई, आज हम क्लास के अंदर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एलडीआई, आई मीन अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ एक ईथर दे रखा है, राइट? CCO, यस, अब आया। तो CCCO CH3 है मेरे पास, राइट? और इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, इसके अंदर मैंने डाला हुआ है HBr। तो मेरे पास CCCOC है और इसके अंदर मैंने HBr डाल दिया। तो बताओ क्या कंपाउंड बनना चाहिए रितेश? पहली बात तो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा मेरे पास इस वाले कंपाउंड का? यस, CO CCOC। सर मिथॉक्सी प्रोपेन। वेरी गुड, बिल्कुल सही, कंप्लीटली राइट। यस गाइस, राइट। सो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास है मिथॉक्सी प्रोपेन। यस, अब मेरे पास के अंदर HBr डाला गया है, तो बताओ क्या बनना चाहिए? तो मैंने बता रखा है कि जब भी हम इसके अंदर HBr डालते हैं तो देखो HBr से मेरे पास दो चीजें निकलती हैं, एक H और एक Br, राइट? तो देखो जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन सी वाली कार्बन पे जाएगा, जो मेरे पास छोटी वाली कार्बन है, तो ये मेरे पास जाएगा इसके ऊपर, और जो मेरे पास H है वो जाएगा इस O के पास। तो ये मेरे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, और ये बन जाएगा मेरे पास ब्रोमोमिथेन। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा मेरा, जो छोटी वाली कार्बन होती है। इज दैट क्लियर? और एल्कोहल मेरा कौन सी वाली पार्ट पे जाता है, जो कार्बन बड़ी होती है। तो इसी तरीके से हम मेरे को बताएगा। यस यस ठीक है, आई गॉट इट, आई गॉट इट। डोंट टेक वी ऑफ एंड सागर इज हियर। वेरी गुड, बहुत से डायलॉग है, आई लव इट। यस, मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, O C2H5 है। तो अब अक्षत एक बात बताओ, अच्छा तुम तो बोल ही नहीं पा रहे, मेरे पास ही एच बी आर है, तो यस इशिका, इशिका यस क्या लगता है, अब एच बी आर है तो क्या बनेगा, ज्यादा कार्बन किसके पास है, C2H5 के पास या बेंजीन के पास, सर क्या फिनॉल लगता है? बनेगा ना, फिनॉल। हाँ, तो मेरे पास, वेरी गुड, जो एच होता है वो जाएगा मेरे पास इस ओ के पास, और जो दो कम कार्बन है उसके पास जाएगा नेगेटिव पार्ट, राइट? तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ब्रोमोइथेन, राइट? तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा मेरे पास यहाँ पे OH, और जो मेरे पास C2H5 है वहां पे लग जाएगा C2H5Br। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? वंशिका, 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 यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ ओके, तो देखो भाई अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये, मैंने लास्ट क्लास में करवाया जैसे याद है, बेंजीन के ऊपर OCH3, तो बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 हो या फिर OC2H5 हो, तो कोई भी मेरे पास हो, तो भाई इसके पास लोन पेयर है, राइट? तो जब लोन पेयर बेंजीन के अंदर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज तुम्हें कहाँ कहाँ पे दिखेगा, जरा बताओ एक बार। अगर ये ओ का नेगेटिव नहीं एरो और जाएगा, ऑर्थो। यस, पैरा और ऑर्थो पे जाएगा, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं इसका नाइट्रेशन करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो अगर मैं इसका HNO3 के साथ, राइट, नाइट्रेशन करूंगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है NO2 ग्रुप कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, पैरा और ऑर्थो। ऑफ कोर्स, तो वो मेरे पास कहाँ देखने को मिलेगा, पैरा और ऑर्थो पर। तो इसका मतलब बाकी पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओ के बाद NO2 लिख देंगे, मजाक चल रहा है क्या, बिल्कुल कुछ भी कर रहे हो, ये कोई वो थोड़ी है HBr। तो एक लग जाएगा NO2 यहाँ पे, और दूसरी बार कहाँ लग जाएगा मेरे पास, NO2। कितना सिंपल है यार, बच्चों वाली चीज है बिल्कुल, और एक लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? सर यस, सर एक बार फिर से बोलो ना सर, मजाक चल रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा ये, अच्छा बेटा ये जो ओ है सर। मेरे अरे पास, ये ओ के पास लोन पेयर है, तो जब भी लोन पेयर अंदर जाता है डीलोकलाइज होता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब भी हम NO2 डालेंगे, मतलब नाइट्रेशन करवाएंगे, तो NO2 तो क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आई मीन जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो कहाँ कहाँ पे आएगा, तो ये एक तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। अच्छा ये वाला और ये वाला एक ही बात तो होती है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक ही तो बात है। तो इसीलिए एक बन गया मेरा पैरा पे, एक बन गया ऑर्थो पर। क्लियर, कोई डाउट? नो सर, क्यों NO2 ऑर्थो और पैरा पे क्यों आया है, क्या सर, NO2 ऑर्थो और पैरा पे क्यों आया है? हेलो हेलो,
हेलो वेरी गुड सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों को? हेलो आ रही है सर। हेलो, तो नेगेटिव देखो, इसको नाटक देखो इसका, तो नेगेटिव है मेरा और तो पैरा पोजीशन पे, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लोगे, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कहां पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा। आ गई सर, आ गई। हां सर, क्या पूछ रहे थे आप? बस रहने दो, अच्छा ठीक है, जोर से ठीक है। फिर जो क्लास स्टार्ट होना तो मैं बताएंगे अच्छे से। तो ये मेरे पास है C2H5, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या डाला है? HI डाला है। तो मुझे एक बात बताओ यार, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है या सिंपल प्राइमरी? टर्शियरी वाला, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब देखो, ये जो मेरे पास H और I है, मुझे एक बात बताओ, ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, मतलब इस वाली कार्बन से तीन कार्बन अटैच है, राइट? एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। तो मैं चाहता हूँ ये किसी से जुड़कर भी जुड़ ना पाए। अगर मान लो तुम टर्शियरी की अपने आप में बहुत खुश है, तो ये जुड़ भी जाए और किसी के साथ ढंग से जुड़, मतलब जुड़कर भी ना जुड़ पाए, तो वो क्या हो सकता है? मेरे पास आयोडीन। क्यों? क्योंकि आयोडीन इससे जुड़ तो जाएगा, लेकिन कभी भी, क्योंकि क्या ये आयोडीन कभी इससे अच्छी बॉन्डिंग कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आयोडीन अपने आप में क्या है? बहुत बड़े साइज का। यस और नो भाई, आयोडीन अपने आप में बहुत बड़े साइज का है या नहीं? तो क्या वो इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक तरह से अकेला ही तो है। जैसे मान लो एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की को सपोज करो, जैसे मैं क्या बोलूं, चलो मान लो जैसे कि एक लड़की को आगे जाके कभी शादी नहीं करनी, ठीक है, वो चाहती है कि नहीं मैं हमेशा जिंदगी भर अकेले रहूं, लेकिन उसे घर वाले बोल रहे नहीं नहीं तो करनी पड़ेगी। तो फिर लड़की ने क्या करा, लड़की ने बेचारी ने एक ऐसे पागल लड़की से शादी कर ली, लेकिन वो बहुत रिच था, बहुत अमीर था। तो बताओ, लड़की अमीर भी हो गई, लेकिन क्या एक तरह से वो उससे अटैच है? नहीं, इसका मतलब वो उससे जुड़कर भी नहीं जुड़ पाई। क्यों? क्योंकि लड़का तो क्या पागल सा लड़का है, तो शादी भी हो गई उसकी, रिच भी हो गई, लेकिन वो तो अकेला रहना पसंद रहा, तो अभी भी अकेले ही रह रही है एक तरह से। गॉट इट? ज्यादा एग्जांपल के बारे में मत सोचो, जो मैं समझा रहा हूँ इस पे ध्यान दो। तो ये आयोडीन क्या है? ये आयोडीन अपने आप में बहुत बड़ा है, तो ये आयोडीन अपने आप में बहुत बड़ा है, तो ये जुड़ तो गया, लेकिन ये एक तरह से नहीं जुड़ा है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसको अकेला रहना पसंद है, ये कार्बोकैटायन है। गॉट इट एवरीबॉडी? और इस साइड क्या जुड़ जाएगा मेरे पास? ऑफ कोर्स C2H5OH। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं आया? यस सर। तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर अभी तो आपने बोला था कि जो छोटी कार्बन होती है तो उसके पास आता है, तो भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि मेरे पास टर्शियरी है, तो टर्शियरी के पास आयोडीन क्यों आया? क्योंकि ये वाला अकेला बहुत स्टेबल होता है, तो किसी ऐसे बंदे के साथ जोड़ो जो आसानी से रिमूव हो जाता है। आयोडीन को हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि आयोडीन जल्दी से रिमूव हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है ये वाला, एक सेकंड, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। यस, पहले तो एक बात बताओ, ये गॉल्बेज प्रोसेस के अंदर क्या होता है रितेश? मैंने बता रखा है लास्ट क्लास में, गॉल्बेज में क्या होता है? हाँ सर, उसमें सर फेनॉल से सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। अच्छा, तो हम क्या क्या रिएजेंट लेते हैं? सर उसमें सर याद नहीं आ रहा सर। NaOH, NaOH और CO2 भी लेते हैं, राइट? कार्बोक्साइड लगाने के लिए। हाँ सर, ये NaOH याद नहीं आ रहा, CO2 याद था, बट वो पहले स्टेप में नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है। यस, वेरी गुड कुश, हाँ डांस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ बताएगा, यस कुछ सिग्नल आर वीक हियर सर, सॉरी डिसेबल। हां सर बोलो, सर बोलो सर। मेरे पास एक चीज है, बताओ पक्की बात। हां ठीक है, और इसके अंदर तुमने क्या डाल दिया? H2 डाल दिया और एसिड की प्रेजेंस है, मतलब H+ है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हां, एल्कीन के अंदर मैंने H2O डाला है, ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं। एल्कीन के अंदर H2 है इन द प्रेजेंस ऑफ H+। सर ये शायद से, जल्दी बताओ, डबल बॉन्ड टूटेगा ना सर इसमें? हाँ, फिर क्या बनेगा? और सर बीच वाले सी पर शायद से OH लग जाएगा। हाँ, और इधर सर और नहीं पता सर, इतना याद है। H2O से दो चीजें निकलते हैं पहले पहले बच्चों, एक OH और एक H, राइट? तो OH, अब देखो अभी डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये एक हिस्सा कहाँ चला जाएगा? इधर की साइड,
और एक हिस्सा यहाँ चले जाएगा इधर की साइड राइट। तो तुम्हें पता है सेकेंडरी कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है तो ऑफ कोर्स ही बात है OH बीच में जाएगा, तो ये OH यहाँ लग जाएगा और ये मिल जाएगा मेरे पास। सी यहाँ पे एक H भी लग गया जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो सर मैंने सही तो बोला था, ओ भाई सही बोला मैं, थोड़ी कर तो सर वेरी गुड तो बोल दो सर। वेरी गुड ठीक है। तो मेरे पास OH इस वाली कार्बन पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि सेकंड, क्योंकि OH इसके ऊपर चढ़ा हुआ है तो ये क्या हुई सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन ज्यादा स्टेबल होती है। रिमेम्बर कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको क्या बना के आ जाएंगे, ये यहाँ पे OH लगा देंगे इस वाली कार्बन पे, यहाँ पे H लगा देंगे। अरे भाई ये तो प्राइमरी कार्बन बनी, प्राइमरी कार्बन इज नॉट दैट मच स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंड, ठीक है। Got it everybody? Yes sir. Vidhi? Yes sir. कोई doubt? No sir. अच्छा तो एक बात बताओ विदुषी, yes, sir. मुझे एक बात बताओ जब भी हम H2O लेते हैं तो H2O से कितनी चीजें निकलती हैं? दो। हाँ तो वो कौन, तो वो दो चीज निकलते हैं, OH कौन से वाले कार्बन पे लगता है, प्राइमरी सेकेंडरी? हाँ तो ऐसे कार्बन पे लगा, टर्शियरी तो टर्शियरी पे जुड़ेगा, सेकेंड पे तो सेकेंड पे, और फिर लास्ट में तो प्राइमरी बचता है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल से मेरे पास क्या बनता है, कीटोन या एल्डिहाइड? कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल से। अच्छा सेकंड एल्डिहाइड। अरे भाई सही तो बोल रहा था, बिल्कुल सही बोल रहा था, कीटोन बनता है। आ, सर सर खेलता सर जिंदगी साथ सर, ये नहीं चलेगा सर। रितेश तुम क्या, मैंने सही बोला तो आपने बोल दिया है, क्या कर रहा सर ऐसे थोड़ी होता सर। तो ये मेरे पास क्या है, OH है, तो अगर मैं मैं नहीं खेल रहा ऑक्सीडेशन करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं OH इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दूं इसी के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। देखो वेरी गुड, क्या मजाक चल रहा है भाई, कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा भाई, अभी तो बताया यार मैंने, कैसे करोगे यार तुम लोग, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये OH जो लगा हुआ है ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाती है, ठीक है। वेरी गुड, देखो देखा सबने लोगों ने, भाई बच्चे डर गए अभी, पता है ऐसी शक्ल में। हेलो क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ सर, एक्चुअली सिग्नल्स भी आ रहे हैं, एक कुछ एक रिड्यूसिंग एजेंट बताओ किसका सर, क्या करना है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट किसका नहीं होता, अरे कोई सा भी, हां दो मिनट सर, NaOH सर, अच्छा मान लो अगर मेरे पास एक कार्बन चेन दे रखी है तुम्हें, मान लो ये सी एच, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, तो अगर मैं इसके अंदर सोडियम बोरो हाइड्राइड डाल दू, मतलब NaBH4 डाल दूंगा, NaBH4, तो ये मेरे पास क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये प्राइमरी एल्डिहाइड है, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए फिर, कोई बता सकता है क्या? यस सृष्टि क्या बनना चाहिए सर, शायद से ओ एन ए नहीं, सब प्राइमरी अल्कोहल, यस सर प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी ऑफ कोर्स भाई, प्राइमरी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल ही तो बनेगा, क्या हो रहा है यार, क्या बकवास चल रही है यहाँ पे भाई, एल्डिहाइड है, जब तुम्हें ये पता है कि कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, तो एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का अगर तुम कर दोगे, देखो ये मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अगर तुम रिडक्शन कर दो तो क्या बन जाएगा, कीटोन का तुमने रिडक्शन किया तो क्या बना सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी का करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एल्डिहाइड है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी सर भर दो, मेरी आवाज आ रही है,